हे गाइस कैसे आप, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपके पास अगर ओला है तो आपको एक प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आपको ओला ने अगर 135 किलोमीटर की रेंज बताई है या कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी आपके पास है उसकी रेंज जो है जो कंपनी बता रही है फिर भी आपको प्रॉपर रेंज नहीं मिल रही है। और क्यों नहीं मिल रही है ये सारी जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर कोई भी रिपेयरिंग संबंधी कोई भी चीज़ों की जानकारी आपको चाहिए तो हम आपको अपने वीडियो में देते रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं, आपको अगर आपकी ओला है आपके पास या कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपके पास, अगर इसने ओला की कंपनी ने आपको 135 किलोमीटर की रेंज बताई है और आपको प्रॉपर 135 किलोमीटर की रेंज नहीं मिल रही है, यानी कि 110 किलोमीटर 115 किलोमीटर में आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और आपको फिर से चार्ज लगाना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है, पहला फैक्ट आप जान लीजिए कि आपकी बैटरी क्यों नहीं चल रही है। दोस्तों क्या होता है कि आप अपने बैटरी को जो है जैसे कि 0% उतरने ना दें, यानी कि डीपली डिस्चार्ज ना होने दें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी बैटरी को डीपली डिस्चार्ज होने देते हैं तो इसके कारण आपके बैटरी के पावर में इफेक्ट पड़ता है और आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो कम होती है दोस्तों, और आपको बार बार चार्ज लगाने से आपकी बैटरी लाइफ भी कमजोर होती है। इसलिए दोस्तों आप ध्यान दीजिए, जब 10-15% आपकी बैटरी बचती है तभी आप उसको चार्ज लगाएं और डीपली डिस्चार्ज होने से अपने बाइक को बचाएं, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर या किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर को बचाएं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों सेकंड फैक्ट की बात करें कि आपकी ओला स्कूटर या आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है क्यों आपको रेंज नहीं दे रही, क्या होता है कि अगर आप उस पर ओवरलोडिंग करते हैं, यानी कि आप उस, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसको ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये एक मोटर बेस्ड है। आप मोटर पर अगर ज़्यादा लोड देते हैं तो वह आपकी बैटरी को जल्दी डिस्चार्ज करती है। यही प्रॉब्लम है आपके ओला स्कूटर में या आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसमें दो लोग लोड हो जाते हैं उसके बाद आप इसमें सामान भी भारी भरकम रख लेते हैं जिसके कारण आपकी बाइक में जो है ओवरलोडिंग हो जाती है, जिससे जब आप गाड़ी को चलाते हैं तो उसको जो प्रॉपर जो आपकी रेंज होती है वो आपको नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर आप सिंगल चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छी खासी रेंज मिलने वाली है आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर में। और दोस्तों सबसे बड़ा फैक्ट ये, वो सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि आपको प्रॉपर रेंज इसलिए नहीं मिल रही है, जो तीसरा मेन कारण है आपको, कि आप बाइक को या इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाते समय आप ध्यान नहीं देते हैं। कभी भी उसकी स्पीड को आप 100 में ले जाते हैं, 80 में ले जाते हैं और अचानक आप ब्रेक मार के 20 की स्पीड में ले जाते हैं और फिर अचानक आप उसको स्टैंड करते हैं, यानी फिर से आप उसको उठा देते हैं 80 की स्पीड में। इससे क्या होता है दोस्तों, यह आपके बैटरी में डायरेक्ट पावर पड़ता है कि आपकी बैटरी को डायरेक्ट वो जो मोटर होता है उससे खिंचाव होता है और डायरेक्ट जो खींचती है बैटरी उसके कारण आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी यानी कि कम रेंज देने लगती है आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसलिए दोस्तों याद रखिए, इससे आपकी बैटरी लाइफ भी कम हो जाती है, यानी कि कंपनी अगर 3 ईयर की वारंटी दी है बैटरी में तो आपकी धीरे धीरे जो आने वाले टाइम पे है वो रेंज कम देती जाएगी आपकी बैटरी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, तो जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है दोस्तों आप अपनी सेफ्टी के साथ चलाएं और 3 चीजों का मेन ध्यान रखें, जैसे कि आपको हमने बताया ओवरलोडिंग से बचें, स्पीड को एकदम नॉर्मल इको मोड में चलाएं, यानी कि आप 40-60 की स्पीड में चलाएं, अचानक 100 पे ना जाएं, और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताया कि डीपली डिस्चार्ज ना होने दे। ये चीज़ें आप अपनी ओला स्कूटर या कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसका ध्यान दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपको अपने वीडियो में लाते रहेंगे। तो एक प्रॉब्लम और आ रही है हमारे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ, क्या हो रहा है दोस्तों कि ये जो आवाज़ आ रही है डिस्क ब्रेक के साथ, तो कंपनी का फ़ोन आया था, जैसे हमने कस्टमर केयर को कॉल किया था और उससे जानकारी मांगी थी तो उन्होंने बताया ये प्रॉब्लम नॉर्मल है, यानी कि इससे कोई बड़ी नुकसान नहीं हो सकती। अगर गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर तो आपके डिस्प्ले में एक लाइट जलेगी, यानी सर्विस मोड ऑन हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इसकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करवानी चाहिए। आप कस्टमर केयर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये हमें कस्टमर केयर द्वारा बताया गया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके बाय।